मुकद्दर के सितारा की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फिजान ने हादिया ने हादिया पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, हादिया से काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है। हादिया उसे हर किस्म की कोशिश करती है सच बताने की। काफ़ी कहती है कि मैंने नहीं किया, क्योंकि फिजान ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो बिल्कुल नहीं मानता। अलावा फिजान की माँ वो भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करती है हादिया से, राजी से, राजी की फैमिली से। जो बाबर अली का किरदार करता है, तुमने बहुत गलत किया, ये सब बदतमीजी कर कर तुमने किसी का कोई मान नहीं रखा, आज तुमने सारी हादें तोड़ दी हैं बदतमीजी की, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम जितनी शायद होगी सारी वजह ही तुम हो फसाद की। मुझे तुम्हें हमेशा से खींच के रखना चाहिए था, मुझे मज़ीद तंग ना करो, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे तुम्हें। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नताशा राजी को पसंद करना शुरू हो जाती है, राजी का काफ़ी आना जाना लगा रहता है। वो वापस घर आ चुके हैं हादिया और फिजान। फिजान बहुत ज़्यादा हादिया बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन फिजान बिल्कुल नहीं समझता। या बहुत रोती है कि मैं पार्ट टाइम हूँ, जिस पर फिजान कहता है कि अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इस बच्चे की वजह से कर रहा हूँ, वरना जो बदकारी तुमने की है तुम्हें बाहर निकालते हुए एक मिनट ना लगाऊँ, तुम जैसी बदकारी के साथ मैं रहना ही नहीं चाहता। बस फिजान वहाँ से चला जाता है। अब फिजान सीधा रमशा के पास जाता है, क्योंकि रमशा के पास उसने बिल्कुल वक्त नहीं गुजारा होता। वो सीधा रमशा के पास जाता है। रमशा अपनी माँ को कहती है कि फिजान मेरी वजह से लड़के आ रहा है, क्योंकि उस रात सुहेब के साथ तो मैं थी, हमारा प्लान कामयाब कर गया। अब वो हादिया से दूर हो जाएगा और उसे तलाक दे देगा। मैं हमेशा खुश रहूँगी। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।